असलम आज हम कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट एम सी सॉल्व करते हैं हमने सिक्स क्लास के कंप्यूटर के एम स्टार्ट क्यू स्टार्ट किया ये बेसिक एम सी क्यूज़ जो कि हर एक एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज हम पहले देखते हैं कि ये एम सी था है कि हाउ मेनी मेमरीज ऑफ द कंप्यूटर डिवाइसिस कंप्यूटर की कितनी मेमरीज होती हैं कंप्यूटर के दो टाइप्स की मेमरी होती हैं कौन कौन सी रैम ठीक है और रोम रैम किस क्वेश्चन करता है रैम होता है रैंडम असेस मेमरी और रोम करता है रीड ओनली मेमोरी इन दोनों के फुल फॉर्म आप लोगों ने याद कर लेनी है इनकी फुल फार्मिक समझ में पूछी जाती है आज का जो हमारा फर्स्ट है एक है वट इज़ द कॉमन मेजरमेंट ऑफ़ द यूनिट ऑफ द कंप्यूटर मेमरी कंप्यूटर मेमरी का कॉमन कॉमन मेजरमेंट जैसा की जा सकती है वो कौन सा यूनिट होता है वो बाइट होता है नेक्स्ट है द स्टोरेज विच स्टोर एंड रिटेन द डाटा आफ्टर पावर ऑफ इट्स किसके ज़रिए से हम स्टोर कर सकते हैं डाटा नॉन वोलटाइल्स मेमरीज के ज़रिए से नेक्स्ट है यू एस बी स्टोरेज डिवाइस यू एस बी जो होती है वो कौन सी स्टोरेज डिवाइस होती है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है ये इधर आ गया एम सी क्यूज़ रैम स्टैंड फॉर द रैंडम एसेस मेमोरी मेमरी रैम किस को स्टैंड करता है रैंडम एसेस मेमोरी मेमरी को नेक्स्ट देखते हैं ये सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज़ हैं इनको आप लोगों ने एक बार अच्छे से कर लेना ये एजुकेटर्स के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही बट अदर एग्ज़ाम जो पी एफपीएससी एस सी एफ पी एस सी होते हैं उनके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनमें भी चार से पाँच एम से कंप्यूटर के होते हैं नेक्स्ट एप विययर इज द रैम लोकेटेड रैम कहाँ लोकेट होता है मदर बोर्ड में वट इज़ द स्टोरीड इन द रैम रैम के अंदर क्या स्टोर किया जाता है डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर बाय द सी पी यू सी पी यू क्या होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है नेक्स्ट है द चिप बाई विच बोथ ऑफ द ऑपरेशन ऑफ रीड एंड राइड इस द रीड एंड राइट किसके अंदर परफॉर्म किया जा सकती है रैम के अंदर रैम का एक दूसरा नाम भी होता है जिसको कहते हैं कि रैम इज़ आल्सो नोन है आर डब्ल्यू एम इस रैम को ही कहते हैं इसका मतलब होता है रीड राइड मेमोरी ठीक है रैम का ही दूसरा नाम होता है रीड राइड मेमोरी नेक्स्ट लिखा हुआ है आरडेम एस एस मेमोरी रैंडम रैंड मेमोरी जो रैम होता है वो क्या होता है एक वोला मेमोरी मेमोरी है ठीक है और इसके जरिए से हम क्या कर सकते हैं रीड राइट मेमोरी भी होते है एक ये भी पूछा जा सकता है कि रीड राइट मेमोरी कौन सी है वो रैम होगी इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं नेक्स्ट है कि रोम स्टैंड फ्रॉम द रोम क्या करता है रीड ओनली मेमोरी को करता है रोम इज़ कंटेन द सम कोडिंग नॉन हैज द रोम सम कोडिंग कंटेन करता है वो कौन सी होती है बायोस होती हैं बायोस का मतलब क्या होता है इनपुट आउटपुट सिस्टम्स होते हैं ठीक है जो रोम होता है वो क्या होता है रोम स्टैंड फॉर द रीड ओनली मेमरी और ये क्या होता है ये नॉन वोलाटाइल मेमरी होती है रैम जो थी वो वोलाटाइल मेमरी थी और ये क्या होता है नॉन वोलाटाइल मेमरीज होती हैं और कम्पोनेट इस लेस पावर इसके कंपोनेट क्या होते हैं लेस पावर्स के होते हैं बायोस क्या होता है बायोस इनपुट होना आउटपुट सिस्टम्स होते हैं और इनपुट डिवाइसिस के नेम याद कर लेने कौन कौन से होते हैं की बोर्ड माउस प्रिंटर ये सारे के सारे क्या होते हैं कि इनपुट डिवाइस होते हैं रैम स्टोरेज रैम कैसे स्टोरेज करता है इंस्ट्रक्शन नीडेड टू बी द स्टार्टअप एंड कंप्यूटर इंक्लूडिंग द बायोस रैम क्या करता है कि इंक्लूड कर लेता है इंस्ट्रक्शन को कौन कौन सी जो बायोस के अंदर होती हैं बायोस का होता है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस होती हैं नाइन्टी वन है, 91 है. तो इस क्या बायोस बायोस क्या होता है बिगनिंग इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम बाईज करता है इनपुट एंड आउटपुट स्टार्टअप के लिए इनपुट एंड आउटपुट देती हैं जिसके जरिए उसको क्या कहते हैं बाई यूज कहते हैं नाइन्टी टू है व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपोनेंट दट यूज्ड टू वी द बोथ रीड एंड राइड जिसके जरिए से हम रीड एंड राइट कर सकते हैं वो क्या होता है रैम होता है आर ए एम होता है नेक्स्ट है? है? है. देखते हैं वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टोरेज कौन <laughs> सी स्टोरेज होती है विच इज द फॉलोइंग इज द स्टोरेज ठीक है स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं फ्लॉपी डिस्क भी होती है हार्ड डिस्क सी डी डी वी डी एंड यू एस बी ये सारी की सारी क्या हैं ये स्टोरेज डिवाइसेस हैं नेक्स्ट है एफ डी डी स्टैंड फॉर एफ डी डी स्टैंड करता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव फ्लॉपी डिस्क ड्राइव भी क्या होती है स्टोरेज डिवाइसेस ही होती है स्टोरेज डिवाइसेस के नेम भी पूछे जा सकते हैं कि कि स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन से हैं इन डिवाइसेस भी पूछी जाती हैं जो जो मैंने इनमें आ रहे हैं एमसीक्यूज रिपीटेड हो रहे हैं वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ आप लोगों ने उनको अच्छे से कर लेना ये स्टोरेज डिवाइसेस वाला बार बार पूछा जाता है पी के हर एक एग्जाम में ऑल ऑफ द फॉलविंग आर द एग्जाम्पल ऑफ द स्टोरेज डिवाइस एक्सेप्ट के सारी के सारी क्या हैं स्टोरेज डिवाइज़ हैं देखिए हार्ड डिस्क भी स्टोरेज डिवाइज है और फ्लॉपी डिस्क भी सी डी बी ये सारी क्या हैं स्टोरेज डिवाइज हैं बट प्रिंटर जो है ये क्या है स्टोरेज डिवाइज नहीं है नेक्स्ट है आ स्टैंडर्ड फ्लॉपी इज डैश इंच वर्थ एक स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क की कितनी चौड़ाई होती है थ्री पॉइंट फाइव की नेक्स्ट पूछता है कि द कैपेसिटी ऑफ द थ्री पॉइंट फाइव इंच फ्लॉपी डिस्क वाज जी पी जी पी के अंदर कितनी इसकी कैपेसिटी होती है वन पॉइंट फोर फोर ठीक है वो इंच में थी और ये किसमें जी पी में पूछा हुआ फोर वन पॉइंट फोर फोर नेक्स्ट देखते हैं कहते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द हार्ड वेयर हार्डवेयर की कितनी टाइप्स होती हैं और दो टाइप्स होती हैं और कौन कौन सी होती हैं एच डी डी एस डी डी एच डी डी किस स्टैंड करता है कि हार्ड डिस्क ड्राइव और एस डी डी सॉलिड स्ट्रेट ड्राइव्स इन ये भी इंपॉर्टेंट है इनको भी अच्छे से याद कर लेना है नेक्स्ट है विच हार्ड ड्राइव इज़ द फास्ट कौन सी हार्ड ड्राइव फास्ट होती है एच डी डी एच डी डी क्या होती है फास्ट होती है नेक्स्ट है कंप्यूटर मेमोरी कैन बी रेफर टू हैज इधर इज परमानेंट ऑफ द टेम्परेरी फॉलोइंग विच इज नॉट विद द टेम्प्रेरी स्टोरेज कौन सी है जिसके ज़रिए से हम सर्च कर सकते हैं चीज़ों को परमानेंटली वो हार्ड ड्राइव के अंदर हार्ड ड्राइव के अंदर चीज़ें परमानेंटली क्या हो जाती हैं स्टोर हो जाती हैं आज हम इधर तक ये करते हैं हंड्रेड हमारे एम सी क्यूज कम्प्लीट हो गए हैं इसके बाद हम डेली बेसिस पे इसके एम सी क्यूज़ को सोल्व करते रहेंगे आप लोग इतने ही एम सी क्यूज़ को अच्छे से तैयार कर लें और जो रिमेनिंग एम सी क्यूज़ हैं इनको हम इनशा कल तैयार कर लेंगे